दिल्ली की एनिमल के लिए एमसीडी को समझना चाहिए, फरकना चाहिए कि एनिमल की क्या फिक्से करे और दिल्ली की टोटी में किस तरह एनिमल सर एनिमल वेलफेयर में लैग किया है ऐसे। और साल हम चाहते हैं कि दिल्ली में इस तरह नहीं करे, एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढे। अचानक 7 दिन पहले आप बारबारिक तरीके से कुत्तों को उठा के लेके जा रहे थे, पोल से पकड़ा, वेयर से पकड़ा और चिल्ला चिल्ला के कभी यहाँ से खून निकले, कभी पैर से खून निकले और कितना एनिमल्स की कैजुअल्टी भी हुई। इसी वजह से डॉग चिड़चिड़ा होके अक्सर अटैक करता है या फिर अपनी जान की मतलब रक्षा करने के लिए वो काटता है। काट भी लेगा डॉगी मेरा, लेकिन फिर भी उसके लिए वैक्सीन तो बना है ना। इसके लिए हम कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट में एमसीडी के खिलाफ केस लड़ेंगे। डॉगी से ना बहुत लोग खिलाफ रहते हैं, तो उनके साथ मिले हुए ऑफिसर से मिले हुए इन्हीं लोगों ने ये डॉग को पकड़ा गया। नमस्कार, जनहित टाइम्स आप लोग देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग सिविक सेंटर के बाहर मौजूद हैं। G20 खत्म हो चुका है, लेकिन उस G20 की तैयारियां जब चल रही थी उस दौरान तमाम पर्दे जो हैं वो लगाए जा रहे थे और जो सड़कों पर डॉग्स जो घूमते हैं उनको भी उठा के अलग जगह पर जो है वो छोड़ा जा रहा था, लेकिन किस तरीके से छोड़ा जा रहा था जो वीडियो सामने आई है वो आप देख चुके हैं। और उन्हीं के लिए, उन्हीं के इंसाफ की मांग के लिए कुछ लोग आज सिविक सेंटर के बाहर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं और इनकी क्या कुछ डिमांड्स हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय महापात्रा है, मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ और मैं सालों से एनिमल्स के लिए काम करता हूँ। मैं ना सिर्फ दिल्ली, पूरा नेशन के लिए काम करता हूँ और हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन से जो हम एनिमल्स को केयर करते 24/7 और ये ना हमें कोई सरकार मदद करता है, हम अपने हिसाब से बींग हमारे एनिमल के साथ हमारा प्यार है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जब G20 बोलता है कि एक धरती और एक परिवार और एक भविष्य, तो इस परिवार के अंदर जानवर भी आता है, तो उस परिवार के फैमिली मानते हुए हम इन एनिमल्स को केयर करते, हम एनिमल्स को केयर करके हम एक भाषा, एक परिभाषा, एक प्यार की भाषा लोगों के मन में जाना चाहते हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं इनको दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश में जानवर भी एक प्राणी है जिसको हम केयर कर सकते हैं और उन केयर के जरिए से हम हमारा देश की परछाया पृथ्वी में एक ऊपर तक टॉप तक पहुंचा पाए और ये हमारा ये है। लेकिन G20 की दौरान एमसीडी ने काफ़ी एनिमल वेलफेयर में लैकिंग करी है। आप देखे होंगे कि किस तरह गलत तरीके से एमसीडी ने कुत्तों को पकड़ के लेके चले जा रहा था और जाने के बाद उनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है जहाँ पे रखने की और ना इन्होंने कोई पहले से जब हमारा G20 जो ये अध्यक्षता करने की जो दिन 8-9-10 सालों से हम क्यों ना पहले इसकी इंतजाम किया गया, क्यों अचानक 7 दिन पहले आप बारबारिक तरीके से कुत्तों को उठा के लेके जा रहे थे। अगर लेके जा रहे थे, हमें एमसीडी को एक रिक्वेस्ट था, हमें एमसीडी को डिमांड कर रहे थे कि आपके पास कहाँ से सर्कुलर आई है डॉग पकड़ने की। भाई बिना सर्कुलर के आप डॉग नहीं पकड़ेंगे। कोई भी गाड़ी कर रहा था जो लोग उसको मांग रहे थे तो उनके पास कोई उसमें नहीं था, तो ये एक गलत है, ये गलत है, कानून का अपराध है। सबसे पहले बात है, आप डॉग पकड़ते हुए नसबंदी के लिए, जो डॉग नसबंदी हो गया इनको क्यों पकड़ रहे थे? तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो लॉ के हिसाब से ये कानूनन अपराध है। अगर हमारी सरकार इस तरह का अपराध करते रहेगा तो हम लोगों से, नागरिक से क्या 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 देख क्या। संजय जी, किन सबूतों के आधार पर आप ये इल्ज़ाम जो है वो गवर्नमेंट पे और एमसीडी पे लगा रहे हैं? क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस तो देखी हैं, आपके पास कितने तथ्य हैं जिन 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 डॉग्स के साथ ये बर्बरता हुई है? देखिए मैम, आपको पता है कि डॉग्स आर वेरी अपनी एरिया में वो राजा होता है, अपने एरिया में खुश रहता है, वो चाहता है कि ये एरिया मेरा है, दे टेरिटोरियल। तो जब हमको उठा के लेके जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि आगे मेरे क्या होने वाला है। जो जिस तरह दहशत फैलाया गया, एमसीडी ने दहशत फैलाया, जिस तो गलत तरीके से पोल से पकड़ा, वेयर से पकड़ा और चिल्ला चिल्ला के कभी यहाँ से खून निकले, कभी पैर से खून निकले और कितना एनिमल्स की कैजुअल्टी भी हुई है, और जब इनको जहाँ पे ले जाया गया वहाँ ना पानी है, ना खाना है, ना बिजली है, बिजली है तो सफाई नहीं है, सफाई है तो ड्रेन नहीं है, ड्रेन है तो खाना नहीं है, खाना है तो ट्रीटमेंट नहीं है। तो एमसीडी ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके लैग करी है, जिसके वजह से सारी एनिमल लवर जो दिल्ली के एनिमल केयर गिवर्स है पैनिक है और ये जो पैनिक है, हम दिल्ली की ये डिमांड मांग रहे हैं कि आपने ये आज नहीं हुई G20 में, तो आगे सामने आई है, इसकी छवि अच्छी हो G20 में, इसीलिए तो ये सब किया गया है।
मैम कैसे आप समझ सकते हो, छोटे छोटे बारीकी चीज़ को हम ध्यान देना चाहिए लाइफ में। अगर एनिमल वेलफेयर अच्छा हो, G20 ये नहीं बोल रहे, G20 ये बोल रहे कि एक परिवार में जानवर आते हैं, ये कहीं G20 के खिलाफ है। G20 अच्छा होने की बात नहीं है, G20 के खिलाफ है। और जिस तरह एमसीडी ने ये काम किया है, शायद ये बात हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब को पता नहीं है। और MCD जिस तरह, और इसमें बहुत सारी करप्शन भी है, हमें ये पता करना चाहिए कि MCD ड्यूरिंग G20 पैसे, और MCD बोल रहे कि NGO से हम ताल्लुकात करें, बात करके सारे काम किए। MCD सिर्फ इन्हीं को साथ पता करा जो इनके ठेकेदार है, जो इनके बिजनेस चलाते हैं, ठेकेदार बन के बिजनेस चलाता है, जो उनके साथ मिले हुए ऑफिसर से मिले हुए इन्हीं लोगों ने ये डॉग को पकड़ा गया। MCD किसी एनिमल लवर, किसी NGO से बात नहीं करी। आपकी क्या डिमांड? हमारा डिमांड ये था जब MCD 4 अगस्त को ये बोल दिया है, सर्कुलर दे दिया है कि हमने कोई भी डॉग G20 में नहीं पकड़ेंगे, नहीं रिलोकेट करेंगे, लेकिन अचानक क्या हुआ, इन्होंने फॉल्स प्रोमिसेस, अपने प्रोमिसेस को तोड़े सिटीजन्स के साथ। प्रोमिसेस को तोड़ने के बाद सिटीजन के साथ क्यों इन्होंने अचानक 3-4 दिन पहले डॉग को पकड़ने शुरू कर दिया है। हमारा डिमांड था क्यों ना MCD सारी एनिमल लवर्स को, एनिमल केयर गिवर्स, एनिमल दिल्ली में 20,000 एनिमल फीडर्स है, तो उनको प्रतिनिधि को यहाँ बुलाया जाता है, इनसे बात किया जाता है। अगर मैं किसी जानवर को खाना खिलाता हूँ, वो मेरे माँ बाप समझता है, मेरे पास प्यार से आता है, पूछ हिलाकर आता है, हम इनको पकड़ के देते हैं, आप ले जाइए, फिर हम उनको जाके सेंटर में केयर करते हैं, हम खाना देते हैं, हम पानी देते हैं। तो वो MCD ने लैग करी है, MCD चोरी छुपे ये काम करना चाहा, और ये चोरी छुपे, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया, आपको पता है डिजिटल दुनिया में लोग सारी चीज़ें आगे जाते हैं। और दूसरी बात है, ये चीज़ आज नहीं है, सालों से हो रहे। दिल्ली में कोई भी इवेंट्स हो, दिल्ली कैपिटल है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, 15 अगस्त। लेकिन अगर ये आपकी डिमांड्स नहीं मानी जाती है, तो फिर आप लोग क्या करें? इसके लिए हम कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट में MCD के खिलाफ केस लड़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमारा बात सुनेगा, हमारे पास जजमेंट करने के लिए बहुत सारी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सबूत है, जो सबूत के तहत MCD को हम कोर्ट जरूर पटकरा करेगा। और हमारे MCD के पास बहुत सारी डिमांड्स है कि कोई भी स्टेलाइज डॉग को नहीं पकड़े। अगर डेली में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स की तरह 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सारी इवेंट्स में क्या करता है, वो हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। सारी डॉग्स की वैक्सीनेशन करने की MCD, हमारा 0 नंबर ऑफ डॉग्स आर नॉट वैक्सीनेटेड, कोई भी डॉग दिल्ली में वैक्सीनेटेड नहीं है, और MCD झूठा वादा करते हैं सारी डॉग वैक्सीनेटेड है। और MCD जो ABC सेंटर जो नसबंदी करता है, बड़े गलत तरीके से करते हैं, क्रूरल्टी मैनर से करते हैं, कोई उनमें ब्लड टेस्ट नहीं है। और जब आप किसी को सर्जरी करते हैं, पर बिना ब्लड टेस्ट की सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पैरामीटर क्या है डॉक्टर को जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारी, दिस इज द बिगेस्ट क्रूरल्टी इन MCD, दिस इज द बिगेस्ट क्रूरल्टी इन MCD। और कोई कम्युनिटी किचन नहीं है MCD, इन जानवर को खाना अगर नहीं देंगे, खाना सबसे पहले है, किसी की लाइफ को जीने के लिए खाना पहले। अगर सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में फंड्स आ रहे हैं, वो फंड जाता कहाँ है कि विजवान के नाम से फंड्स आते हैं, क्योंकि वो लोग बोल नहीं पाते, उस फंड्स को दुरुपयोग किया जाता है। हमारा MCD को डिमांड है, हमारा बात सुने, हमें बुलाए, और आने वाले सालों में एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढे। और जो हम बोलते हैं कि डिमांड टू MCD फॉर दिल्ली एनिमल्स, G20 लैक्स इन एनिमल वेलफेयर इन कैपिटल, जो G20 एनिमल वेलफेयर में लैग किया है वो लैग आने वाले सालों में नहीं हो, और वो एनिमल वेलफेयर प्रॉपर तरीके से हो। और गांधी जी बोलते कि जिस देश एनिमल को सम्मान करते हैं, इस देश की सम्मान सर्वोपरि है। द ग्रेटनेस ऑफ ए नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जजेस बाय द वे एनिमल्स आर ट्रीटेड, और जहाँ किस तरह आप एनिमल्स को केयर करते हो, उस देश की मान्यता वही बोलता है कि इस देश कितना रेस्पेक्टफुल हो। और कोई भी इंसान क्यों नहीं, इंसान से भी पता लगता है, सोसाइटी से भी पता लगता है। और आज की डेट आप देखे होंगे, लोग किसी को कुत्तों को खाना खिलाने जाते तो उसको वहाँ से गर्म पानी फेंका जाता है, उसको मारा जाता है, उसके खिलाफ FIR किया जाता है, और उसके खिलाफ मॉब उठ के चला जाता है। ये एक गलत धारणा है। खाना खिलाना किसी को एक मौलिक अधिकार है, और किसी की ज़िंदगी है, वो उसको भी खाना देना हमारा एक मौलिक अधिकार है।
ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। आप डॉग लवर हैं, लेकिन एक तरफ ये खबरें भी लगातार हम देखते हैं कि कुछ डॉग्स ने, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उन्होंने कुछ लोगों को काट लिया है। कुछ अभी रिसेंटली कुछ खबरें ऐसी भी थी जिनमें बच्चों पे हमला किया गया और उनमें से एक बच्ची की डेथ भी जो है वो हो गई है। तो अगर आप डॉग लवर हैं, आप संस्था चलाते हैं डॉग्स की, तो उन पे किस तरीके से अंकुश लगाया जाए? देखिए नमस्कार जी, हम बस सेवादार कह सकते हैं अपने आप को कि हम सेवा करते हैं, और संस्था तो खैर संजय जी की है अच्छे से, हम उनका साथ देने के लिए बस यहाँ पे खड़े हैं। और ऐसा है जी, ये जो भी डॉग के ऊपर क्रुएल्टी होती है, जो डॉग्स को मारते हैं, जो भी डॉग्स को परेशान करते हैं, इसी वजह से डॉग चिड़चिड़ा होके अक्सर अटैक करता है या फिर अपनी जान की मतलब रक्षा करने के लिए वो काटता है। अदरवाइज कोई भी डॉग किसी को काटता नहीं है, बहुत मतलब बहुत प्यारे होते हैं और बहुत प्यार दर्शाते हैं अपने आसपास, जो भी खाना खिलाता है उनके लिए, और जो बंदे उनको टॉर्चर करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वो थोड़े बहुत एग्रेसिव होते हैं, ये कहने का मतलब। लेकिन एक दो हो सकते हैं ना जो झुंड में आते हैं उनके लिए, फिर वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि स्टरलाइजेशन नहीं हुआ होता इसलिए वो झुंड में घूमते हैं, अदरवाइज डॉग अकेले अकेले घूमते हैं, कोई भी झुंड में नहीं होता। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी डॉग लवर हैं, यहाँ पर संजय जी को समर्थन करने आए हैं? जी, मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ कि मैंने भी डॉग पाल रखे हैं और मैं टाइम टाइम से वैक्सीन भी लगवाती हूँ उसे, लेकिन मैं गली मोहल्ले में घुमाने जाती हूँ तो सब लोग कहते हैं कि नहीं काट लेगा ये वो, तो काट भी लेगा डॉगी मेरा, लेकिन फिर भी उसके लिए वैक्सीन तो बना है ना, ऐसा तो है नहीं जो कि जगह जगह हॉस्पिटलों में, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ वहाँ पर वैक्सीन लगती है डॉगी की फ्री। तो मेरे डॉगी ने कई बार एक दो को काटा भी है, तो मैंने वैक्सीन लगवाया उनको पूरा, तो फिर भी ना गली मोहल्ले के लोग ना जीने नहीं देते, बोलते हैं कि आप यहाँ से लेके जाओ इसे और यहाँ पे मत लेके आया करो। किसी भी गली में घुमाने जाती हूँ तो सब लोग यही कहते हैं कि यहाँ पे मत लेके आओ, क्योंकि मोमडन एरिया है ना, तो मेरे डॉगी से ना बहुत लोग खिलाफ रहते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे मत रहा करो, मकान वाले से भी बोलते हैं कि आपने क्यों रखा है। तो यही सब बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं चाहती हूँ, मेरी गुजारिश है सरकार से कि जैसे यूपी में सरकार ने गायों के लिए कर रखा है, ऐसे ही दिल्ली में भी सरकार ऐसा ही करे डॉगियों के लिए, मेरा यही रिक्वेस्ट है सरकार से। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि सिविक सेंटर के बाहर जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने जो डॉग्स के साथ जो बर्बरता की गई है, उनको जिस तरीके से उठाया गया है, सही जगह पर नहीं रखा गया है, सही तरीके से खाना नहीं दिया गया है, और जहां उनको रखा गया है वो जगह भी जो है वो बहुत ख़राब थी। तो एमसीडी के ऊपर सवाल यहां से लगातार खड़े किए गए हैं, सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी केयर जो है वो की जाती है, और जो डिमांड्स इनकी हैं वो भी इन्होंने अपनी डिमांड्स जो हैं वो रख दी हैं, और साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, लेकिन हमारी ये लड़ाई जो है वो डॉग्स के प्रति जारी रहेगी। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद।